है उसका। आज तो पूरा अरेंजमेंट है। ड्राई मशीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन हम बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि हमारे रोइंग में निकला है धूप। आप सोच रहे होंगे कि हैं धूप तो हर जगह निकलती है, मगर ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी विंटर हो और ऊपर से इतने दिनों तक बारिश हो रही हो, जब वहाँ धूप निकलती है ना, उसकी खुशी भाई कुछ और ही होती है। मैं पका रही हूँ दाल, गर्मा गर्म खाना वाना पका के खाएंगे बाहर धूप में बैठ के, मजा आएगा। फ्रेश मटर हमारे गार्डन से ड्राई मछली। गले में इतना ज़्यादा दर्द है ना, तो मैंने अपने लिए और मौसी के लिए गर्म पानी बनाया। देखा मेरी बहन जो है ना, वो दो दो कुकर नहीं धोना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ ट्रांसफ़र करके इसमें चावल बनाती हूँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है धूप देख के। मस्त। मेरा ना गले पे जो दर्द है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हमारा एक पुराना नुस्खा है घर का जिसको करने पे ना गला एकदम ठीक हो जाता है, तो मैं भी वो करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लहसुन छीलना है, फिर तेल को गरम करके लहसुन को उसमें भूनना है, फिर उस लहसुन को खाना है। इसमें गरम कर लेना है कोई भी कटोरा, ज़रूरी नहीं ऑयल ज़्यादा हो, बस इसमें वो भूनना है, क्या कहते हैं, लहसुन। लहसुन अगर आप जितना खा सकते हो, दो खा सकते हो तो दो, तीन खा सकते हो तीन, मगर मेक श्योर कि लहसुन हो ज़्यादा, लहसुन बहुत अच्छा है इन सब के लिए। अब ये जब उबल जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे। तो ये तेल गर्म हो चुका है, देखो धुआं भी आ रहा है, इसमें डालते ही है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं खाने के लिए बाहर अरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा धूप निकल रहा है। कितना अच्छा धूप आ रहा है। जल्दी आ जाओ बाहर, खाना खाते हैं। खाती हूँ हमारा खाना, ये रहा दाल, हमारा फ्राइड क्या कहते हैं इसको, हाँ फिश, और ये हमारा नमक और मिर्ची, और वो हमारा चावल। यस आज तो पूरा अरेंजमेंट है। कुछ दिन पहले बाहर खाना खा रहे थे तो मैंने बस कुर्सी रखा था। ओह वाह मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं हवा में, इतने घने बाल, इतने घने बाल, घने बाल चम्मच क्या।
आज 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 मौसी साइड में इसलिए बैठी है क्योंकि उनके बालों में ऑयल है, वो शर्मा रही है। वाह कितना खा रही है। अभी पर ड्राई बना रहे हैं। मैं तो बस थोड़ा सा ही चावल खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। आप कितना खाओगी? बहुत सारा बहुत सारा खाएंगी। ये चावल हो गया, ये हमारा दाल, चटनी भी होता तो बहुत अच्छा होता। फिश दो पीस लूंगी। वाह वो कल लगी तो पोंगे ना रे पतंग है। एक फोटो खींच लेती हूँ। इस साइड मुड़ के बैठ गए हम, धूप चाहिए था मगर पीछे से कुछ ज़्यादा ही धूप आ रहा है। फिश फ्राई कोपक तो अभी मौसी हम दोनों खाना खाने के बाद हम खाने वाले हैं पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल हम बाजार से खरीदते नहीं हैं, हमारे बगीचे से निकालते हैं। ये देखो मौसी लाई है तोड़ के। अब ये काट के खाएंगे हम। इसको काटते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं अपो आदि में। काटने से पहले एक बार व्हाट्सएप स्टेटस के लिए फोटो क्लिक कर लो। आसिकन तक आपको दिन या काटते हैं धीरे धीरे करके इसका छीलता है ऐसे रिमूव करें। तो काटते हैं अभी अच्छे से प्लेट में। ओ भाई हम्म
वाह वाह वाह, फ्रूट बेचने वाली बन जाऊंगी जो अपने लगा तो। ओ एक खा के तो देखो, सुपर। एकदम एक नंबर जिसे कहते हैं ना, वही है। इसको लगा है सावधान इंडिया का फीवर, है ना मोलन माए? नारियल के पोर्क का तो जवाब ही नहीं है, टेस्ट ही एकदम अलग। इसको कहते हैं मुन में, फ्राइड राइस की तरह है, पर ये मुन में है।